चलिए बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये कॉनिक सेक्शन के ऊपर है, जिसमें सर्कल और पैराबोला का कंसेप्ट अप्लाई किया गया है, और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आगे एलिप्स का भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो है कॉनिक सेक्शन के ऊपर है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पीस वाइज काफ़ी सारे फंक्शंस इंक्लूड किए गए हैं। तो बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है जो आपसे पूछा गया है, देखते देखो क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपको बोला गया कंसीडर द टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल एज वेल एज द पैराबोला। इसका सबसे पहले तो हमें बोला गया है कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज टू कर्व, जिसमें एक सर्कल है और एक पैराबोला है। तो ये तो हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस भी करते हैं कि कभी भी कॉमन टेंजेंट यदि हमें फाइंड आउट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हमें याद है कि स्लोप फॉर्म जो हमारे पास आती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a डिवाइडेड बाय m। यहां पर a की वैल्यू चूंकि 1 है इसलिए मैंने लिख दिया है दैट इज 1 अपॉन m। अब यदि मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है, दैट इज आल्सो अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, तो कंडीशन क्या होती है सर्कल की टेंजेंसी के लिए, कि यदि कोई भी एक लाइन सर्कल पर टेंजेंट है तो सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। यदि इस कंडीशन को हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आएगा 1 अपॉन m अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, इसके मॉडुलस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो हमारे पास आएगा रिलेशन m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इट मीन्स m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू, जिसके दो फैक्टर्स बनेंगे। पहला फैक्टर तो बनेगा m स्क्वायर प्लस 2, जो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। m की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो यहां पर इस फैक्टर से मिलेगी। इसको सॉल्व करने पर m की दो वैल्यूज मिलेंगी दैट इज प्लस माइनस 1। जो हमसे पूछा गया है सबसे पहले कि जो इस पर दो स्ट्रेट लाइन है जो कॉमन टेंजेंट है इन दोनों कर्व के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जब मैं m की जगह पर 1 पुट करता हूं तो पहला लाइन आता है y इज इक्वल टू x प्लस 1, और जब मैं m की जगह पर माइनस 1 पुट करता हूं तो दूसरा लाइन आता है y इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1। ये दोनों की दोनों कॉमन टेंजेंट है इस सर्कल पे भी और पैराबोला पर भी। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, लेट दीज लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट Q। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इजिली दिख रहा है यहां पर कि दोनों लाइन्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, माइनस 1, 0 पर, दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट Q। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है जो क्वेश्चन में बोला गया है। अब इस कंसेप्ट को यूज करके उन्होंने आगे क्या बोला गया है, नया कंसेप्ट क्या इंक्लूड किया है, कंसिडर द कर्व सर्कल सॉरी इलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन O 0, 0 एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस इज द पॉइंट ओ क्यू। तो आप देखेंगे कि यहां पर हम एक इलिप्स डिफाइन कर रहे हैं जिसका सेमी मेजर एक्सिस क्या दिया हुआ है, ओ क्यू। पॉइंट क्यू इज -1, 0, इस तरह से हम यहां पर एक इलिप्स डिफाइन कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज 1, 0। और आगे ये भी बोला गया है इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ दिस इलिप्स इज √2। इसका मतलब है कि यहां पर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b की वैल्यू √2 के बराबर है, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 अपॉन √2, दिस इज 0, -1 अपॉन √2। तो यदि हमें यहां पर a की वैल्यू पता है, हमें b की वैल्यू पता है, हमें सेंटर पता है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, आगे बोला गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया है यहां पर फॉर द एलिप्स, इस एलिप्स के बारे में कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है। तो हम जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू
वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, वन, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, वन बाई टू। यदि ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर पुट कर दें तो रिजल्ट आएगा वन माइनस वन अपॉन टू विच इज सेम एज वन बाई टू। इट मीन्स इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी ई हमारे पास मिलेगी दैट विल बी वन बाय रूट टू, दैट इज नॉट वन बाई टू, ध्यान रखिएगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यदि हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला बनेगा टू बी स्क्वायर अपॉन ए। यदि हम दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दें बी स्क्वायर की जगह पर वन बाई टू, तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ जाएगा, वन के बराबर। इसका मतलब है कि यहां पर सबसे पहले ऑप्शन ए ट्रू है और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो आप देखोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर अब यहां पर एरिया भी इंक्लूड कर दिया है साथ के साथ। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन दोनों ही केसेस में आपसे पूछा गया है एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, एक्स इज इक्वल टू वन एंड द एलिप्स। यदि हम इस एलिप्स की बात करते हैं तो एरिया बाउंडेड बाय, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वन और एलिप्स। ये जो एरिया बाउंड करते हैं यहां पर इस एरिया को कैलकुलेट करना है, ये एरिया कितना आएगा। तो देखो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, हम इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। फंक्शन हम लोगों को मालूम है, वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, एरिया इज इक्वल्स टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टू से लेके वन तक हम फंक्शन वाई को इंटीग्रेट करते हैं, और हम देखेंगे कि यहां से वाई की जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी वो क्या आएगी, वन अपॉन रूट टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो यहां पर यदि आपको रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली यहां पर रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए। एक्स की जगह पे आप साइन थीटा पुट कर दो तो यहां पर फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा इजिली, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फंक्शन क्या बन गया है, इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू तक, वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह पर पुट करेंगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो फंक्शन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जिसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको दो से मल्टीप्लाई, डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, दो से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो बन जाएगा वन अपॉन रूट टू पाई बाई फोर से पाई बाई टू, वन प्लस कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा। और जब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे जो एरिया बाउंडेड है वो कितना आता है। फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वन अपॉन रूट टू, इंटीग्रेशन बनेगा थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, लिमिट है पाई बाई फोर से पाई बाई टू तक। तो जब हम लिमिट यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी सबसे पहले पाई बाई फोर, जब सॉरी पाई बाई टू, अपर लिमिट पुट करते हैं, जब पाई बाई टू यहां पर पुट करेंगे तो साइन पाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। माइनस जब हम पाई बाई फोर पुट करेंगे तो पहले मिलेगा पाई बाई फोर, और यहां पुट करेंगे तो बन जाएगा पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन होता है तो वैल्यू मिलेगी वन बाई टू के बराबर। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वन अपॉन रूट टू पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू, जिसको यदि हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाई माइनस टू डिवाइडेड बाय फोर रूट टू की फॉर्म में, जो आपको दिया गया है यहां पर ऑप्शन सी के अंदर। इसका मतलब ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर मिलेंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, इसकी वजह से क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंथी हो गया है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं जो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव जो आपसे पूछा गया है
ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट एस टी एंड आर बी द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड एल बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस जेड एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर द इक्वेशन एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो, इसके सॉल्यूशन का मतलब है कि हमें यहाँ पर जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की वैल्यू क्या आती है। तो क्या करते हैं, इस जेड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से जेड बार को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, कॉन्जुगेट कैलकुलेट करते हैं इसका, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा आर बार इज इक्वल्स टू, टू एलिमिनेट द जेड बार फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, जेड बार का कोफिशियंट इन दोनों इक्वेशन में सेम बनाने के लिए इस फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देना एस बार से और इस दूसरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देना टी से, जिससे कि आप देखेंगे कि यहां पर इन दोनों जगह पर जेड बार का कोफिशियंट सेम हो जाएगा और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये जेड बार एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो जब हम दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो रिलेशन क्या आता है, एस इंटू एस बार इट विल बिकम मॉड एस स्क्वायर, इधर बनेगा टी इंटू टी बार माइनस में मॉड टी स्क्वायर इंटू जेड, प्लस में आएगा हमारे पास आर इंटू एस बार माइनस आर डैश आर बार इंटू टी इज इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं मॉड एस स्क्वायर माइनस मॉड टी स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल्स टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर बार इंटू टी माइनस आर इंटू एस बार की, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहली चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप ऑप्शन से भी क्लियरली आप यहां पर चेक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस एक्सप्रेशन को यहां डिवाइड में नहीं ला पाएंगे, उसके लिए पहले आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ये वैल्यू जीरो तो नहीं है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पर इसके दो केस बना देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में आपको बोला भी गया है। पहला केस हम डिस्कस करते हैं यहां पर, यदि मॉड एस की वैल्यू मॉड टी के बराबर नहीं है, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट कि यहां पर जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ये वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, और यदि यह वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डिवाइड में ला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि z की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, r बार इंटू टी माइनस आर एस बार डिवाइडेड बाय मॉड एस स्क्वायर माइनस मॉड टी स्क्वायर। इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हमें कितना एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा केस हम यहां पर कंसीडर करते हैं, यदि सपोज मानते हैं कि मॉड एस की वैल्यू मॉड टी के बराबर आ रही है, इसका मतलब यह है कि यदि मॉड एस की वैल्यू मॉड टी के बराबर है इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यह वैल्यू जीरो के इक्वल बन रही है। तो यदि यह वैल्यू जीरो के इक्वल है तो हम इसको डिवाइड में तो नहीं ला पाएंगे, तो इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर दो केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस हम कंसिडर करते हैं, यदि आर बार इंटू टी माइनस आर इंटू एस बार, यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मान लेते हैं कि नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रही है, तो आप देखेंगे कि यदि ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो यहां पर हो क्या रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये वैल्यू जीरो के बराबर है और ये वैल्यू नॉन जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब क्या ये दोनों वैल्यूज कभी इक्वल बन पाएंगी, इट मीन्स कि इस इक्वेशन के आपको कभी भी सॉल्यूशंस नहीं मिल पाएंगे, वी ऑलवेज गेट नो सॉल्यूशंस, ठीक है। दूसरा केस यदि हम कंसीडर करते हैं कि यदि r बार इंटू टी माइनस आर इंटू एस बार, यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो आप देखेंगे कि जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होती है तो इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जीरो आ रही है और इवन राइट हैंड साइड की वैल्यू भी जीरो आ रही है, इसका मतलब जेड की यहां पर इन्फाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों
इक्वल बन जाएंगे। इसका मतलब है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो सबसे पहले तो बोला गया है ऑप्शन बी, इफ मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी देन एल हैज इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं। आप देख सकते हैं कि जब मॉड एस की वैल्यू मॉड टी के बराबर होती है तो यहां पर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, जबकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी में बोला गया है इसमें सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है। इसका मतलब है कि हम यहां पर इस ऑप्शन बी को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी की जरा हम बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज कॉमन टू द एल। अब ध्यान दो, यहां पर यदि हम इस एल की बात करते हैं तो इसके जो सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमेशा एक लाइन पे लाई करेंगे। और ये हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये जो लाइन है ये इस सर्कल को मैक्सिमम एटमोस्ट कितने पॉइंट पे कट कर सकती है? दो पॉइंट पे कट कर सकती है, जब ये लाइन इस पर सीकेंट बन जाए। तो इसका मतलब है कि यदि ये लाइन इसको एटमोस्ट दो पॉइंट पे कट करेगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी के बारे में हम बात करें, एल हैज मोर देन वन एलिमेंट्स देन एल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो यदि इक्वेशन के दो से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इक्वेशन के हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए यहां पर हमारे पास आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर्स ए सी एन डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये क्वेश्चन बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट एमओडी का भी दिया हुआ है, बाकी इसमें जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट है। बोला गया है कि एक फंक्शन है एफ 0, π से आर में, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, दैट इज सच दैट लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स एफ ऑफ एक्स साइन टी माइनस एफ ऑफ टी साइन एक्स अपॉन टी माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए इस लिमिट को सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन टी माइनस एफ ऑफ टी इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय टी माइनस एक्स। जैसे कि हमें दिया गया है कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले जब हम यहां पर टी की जगह एक्स पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम यहां अप्लाई करते हैं एलहॉस्पिटल रूल। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप एलहॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहां पर जो वेरिएबल पार्ट है वो टी है, टी की वैल्यू एक्स को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब है कि यहां पर जो वेरिएबल पार्ट है वो टी है, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे कीपिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट। तो यदि हम इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं कीपिंग एक्स एज इट इज, तो साइन टी का डेरिवेटिव मिलेगा कॉस टी माइनस एफ डेस टी इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय टी का डेरिवेटिव, सच दैट कि इस फंक्शन की लिमिट भी कितनी होनी चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। अब जब हम यहां पर टी की जगह एक्स पुट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आता है एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एफ डेस एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है। ये एक्चुअली आप चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वो कंसेप्ट पर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप यहां पर इस फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो एफ डेस एक्स इंटू साइन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस वन। ये फॉर्मेट मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि आपको ये यहां पर विजुलाइज हो जाए कि ये जो फॉर्मेट है यहां पर ये लिखा हुआ है कोशेंट रूल एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव।
राइट हैंड साइड में बन जाएगा dx। तो यदि हम यहाँ पर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। और इस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, एफ ऑफ पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस टाइम्स पाई बाई ट्वेल्व। जब आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास से आ जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो यदि हम यहाँ पर फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, तो आप देखेंगे कि जो सबसे ऑप्शन ए में आपसे पूछा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बाई फोर पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं एफ ऑफ पाई बाई फोर पर वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस पाई बाई फोर इंटू वन अपॉन रूट टू। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, माइनस टाइम्स पाई अपॉन फोर रूट टू। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाता है। यदि आप ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी चेक करना चाहते हैं तो आप वन बाई वन ऑप्शन बी सी और डी भी चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी हमें दिया गया है, ऑप्शन बी में हमें क्या दिया गया है, हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए एक्स की पावर फोर अपॉन सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर से फॉर ऑल एक्स टेंडिंग बिलोंग्स टू जीरो कॉमा पाई। तो इसके लिए आप लोग चाहें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया है कि आप एफ ऑफ एक्स के अंदर इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए डायरेक्टली साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल अप टू इन्फाइनाइट। माइनस में इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो बन जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पर आएगा प्लस एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर अपॉन सिक्स और ये माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन सिक्स, ये दोनों टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। टर्म आएगा हमारे पास माइनस एक्स की पावर सिक्स अपॉन फाइव फैक्टोरियल। इसके बाद जो अगला टर्म होगा वो है प्लस एक्स की पावर एट अपॉन सेवन फैक्टोरियल। तो हम देख सकते हैं इजिली कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हमेशा इस एक्सप्रेशन से छोटा हो जाएगा, इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी की यदि हम बात करें तो देखो ऑप्शन सी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं ऑप्शन सी, जैसे कि सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि एफ डेस अल्फा का रूट हमें फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है कि एफ डेस अल्फा की वैल्यू जीरो है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि हम यहां पर रोलीज थ्योरम अप्लाई कर दें। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रोलीज थ्योरम के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वो क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई में कंटिन्यूस होना चाहिए, जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल जीरो टू पाई की। इसलिए आप लोग चाहें तो यहां पर रोलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जीरो और पाई पर लिमिटिंग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज बेटर तरीका क्या है, एफ डेस अल्फा यदि आपको प्रूफ करना है देयर एग्जिस्ट सम अल्फा जहां पर एफ डेस अल्फा की वैल्यू जीरो है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एफ डेस एक्स कैलकुलेट करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। यदि इसका रूट हम फाइंड आउट करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली में इक्वेशन आ जाएगी टेन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, जिसका रूट हम इजिली चेक कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ग्राफ हमें पता है, टेन एक्स का भी ग्राफ हम जानते हैं, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का भी ग्राफ हमें पता है। तो हम देखेंगे कि जब हम दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें यहां पर एक सॉल्यूशन दिख जाएगा बिटवीन जीरो टू पाई। वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जीरो दिस इज पाई बाई टू ये पाई, तो वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स का आप देखें ग्राफ इस तरह से आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, और y इज इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ वो इस तरह से बनेगा। इसका मतलब आपको एक सॉल्यूशन यहां पर दिख जाएगा अल्फा
बिटवीन पाई बाई टू टू पाई, जहां पर एफ डैस अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन सी भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यदि आप ऑप्शन डी चेक कर रहे हैं तो ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं इजिली। उसके लिए पहले आप एफ डबल डैस एक्स कैलकुलेट कर लो। जो हमने एफ डैस एक्स कैलकुलेट किया है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो आएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, विच इज सेम एज माइनस टू टाइम्स कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। तो आप देखेंगे कि पाई बाई टू पर एफ डबल डैस पाई बाई टू की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पाई बाई टू पर ये तो जीरो हो जाएगा कॉस पाई बाई टू, ये वैल्यू मिलेगी पाई बाई टू इंटू वन दैट इज पाई बाई टू, और एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है माइनस पाई बाई टू, तो दोनों का सम जीरो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर्स बन जाएंगे बी सी एंड